हेलो स्टूडेंट्स, सो वेरी वार्म वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम पिंकेश कुमार एंड आई एम अ केमिस्ट्री फैकल्टी एट मोशन इंस्टीट्यूट मुजफ्फरपुर. सो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इस सेशन में, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना. आइसोमेरिज्म से लिया गया है और ये जेई मेंस एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं. तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इनान्शियोमर एंड डाया स्टीरियोमर पेयर फॉर द गिवन कंपाउंड. ये जो गिवन कंपाउंड है इसमें हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ डाया स्टीरियोमर एंड इनान्शियोमर पेयर, राइट. तो डाया स्टीरियोमर एंड इनान्शियोमर पेयर जो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो पहले हम ये समझते हैं कि क्या कोई यहाँ पर डाया स्टीरियोमर क्या होता है, इनान्शियोमर क्या होता है, उसको समझते हैं. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी सिमेट्री नहीं है. सिमेट्री का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा प्लेन एक्सिस नहीं है जो इस कंपाउंड को, इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके, राइट. तो डाया स्टीरियोमर का मतलब होता है कि दो कंपाउंड को डाया स्टीरियोमर तब कहेंगे जब दोनों में जो है कॉन्फ़िगरेशन, दोनों में दोनों जो कंपाउंड है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ना ही दोनों का सेम होगा और ना ही अपोजिट होगा. जैसे अगर मान लो कि एक कंपाउंड का आरएस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो दूसरा जो कंपाउंड है उसका अगर आर आ गया कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बन जाएगा डाया स्टीरियोमर. बिकॉज इनान्शियोमर के लिए क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होना चाहिए, राइट. कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए. बट यहाँ पर क्या है, आरएस है और इधर आरआर है, और जब ऐसे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे तो इसको हम कहेंगे डाया स्टीरियोमर. क्या कहेंगे इसको, डाया स्टीरियोमर. और वहीं पर अगर मान लो कॉन्फ़िगरेशन आरएस आएगा और दूसरे कंपाउंड का अगर एसआर आता है, इसको हम लोग कहेंगे इनान्शियोमर. इसको हम क्या कहेंगे, इनान्शियोमर, ठीक है. तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमें बताना है इनान्शियोमर और डाया स्टीरियोमर पेयर कितने बनेंगे. तो पहले इसको हम समझते हैं. जैसे यहाँ पर देखो क्या है, ये है कायरल सेंटर, यहाँ ये है कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर है. कॉन्फ़िगरेशन हमें मालूम नहीं है, और क्योंकि यहाँ पर कुछ वेज डैश में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सो हम यहाँ पर कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं. तो सपोज करते हैं कि ये है आर और दूसरा भी है क्या आर, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर R और S पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर दोनों का सेम कर लें हम लोग SS कॉन्फ़िगरेशन, RS कॉन्फ़िगरेशन, या फिर SR. तो ये फोर पॉसिबिलिटीज़ हैं. अगर हम RS कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये फोर RS कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, राइट. इसके अलावा अगर हम बात करें इनान्शियोमर, अब हमसे बोला जा रहा है कि इसमें कितने इनान्शियोमर पेयर बनेंगे. तो इनान्शियोमर का अभी हमने देखा कि आर एस कॉन्फ़िगरेशन और एस आर होना चाहिए, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अपोजिट होना चाहिए. अगर ये आर आर है तो ये एस एस होना चाहिए, ये एस एस है तो ये आर आर होना चाहिए. मतलब दोनों कंपाउंड के बीच जो आर एस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए, क्लियर है. तो अगर हम बात करें यहाँ, तो देखो ध्यान से, आर आर और एस एस क्या ये इनान्शियोमर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ये इनान्शियोमर हो सकता है. और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो एक पॉसिबिलिटी ये है आर एस और एस आर, ये हो सकता है इनान्शियोमर. तो यहां से अगर हम बात करें इनान्शियोमर पेयर की, तो कितने मिल रहे हैं हमें इनान्शियोमर पेयर जो है, टोटल हमें मिल रहा है 2, राइट. अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है डाया स्टीरियोमर. डाया स्टीरियोमर पेयर के लिए हम देखते हैं अभी कैसे कैलकुलेट करना है. तो सेम कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि आर एस अपोजिट होना चाहिए या फिर सेम होना चाहिए. तो डाया स्टीरियोमर के लिए आर एस ना ही अपोजिट होना चाहिए और ना ही सेम होना चाहिए. तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर एस इधर आर आर है, तो कॉन्फ़िगरेशन ना ही सेम है और ना ही अपोजिट है. तो इसको हमें ध्यान रखना है इसको सॉल्व करने से. अब चलिए देखते हैं इसमें, तो फर्स्ट जो है आर आर और आर एस, क्या ये दोनों
डायस्टेरियम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आरआर है और यहाँ आरएस है, तो ना ही अपोजिट है और ना ही सेम कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है सभी को? ग्रेट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ आरआर और एसआर। ये अगर हम दोनों बात करें तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल। ये है आर आर और एस आर, ये डायस्टेरियमर पेयर हो सकता है या नहीं बच्चों, बताओ? जरूर हो सकता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ना ही उल्टा है और ना ही सेम है। तो कितने मिले? एक और एक, दो। और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं। आर एस और एस एस, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये जो है आर एस और एस एस, तो कॉन्फ़िगरेशन ना ही अपोजिट है और ना ही सेम है। और क्या है पॉसिबिलिटीज़? तो चलिए देखते हैं, एस एस और एस आर, एक ये भी हो सकता है, ये भी डायस्टेरियमर हो सकता है। तो देखो डायस्टेरियमर पेयर कितने हो गए टोटल, तो एक तो हो गया आपका फर्स्ट डायस्टेरियमर आर आर और आर एस, एक पेयर हो गया। दूसरा कहाँ है? दूसरा है आपका आर एस और एस एस। तीसरा कहाँ पर है मिला आपको? एस एस एंड एस आर। चौथा कहाँ है? आर आर और एस आर। तो ये टोटल हमें डायस्टेरियमर पेयर कितने मिले? फोर मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर। तो ये काफ़ी ही बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको अच्छे से समझिए, अगर कुछ भी समस्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए आप, और कुछ भी समस्या है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।